अस्सलाम वालेकुम। रमजान शुरू हुआ है, जब से मेरी रूटीन है रोजा खोलने के बाद, बच्चे नमाज जाने के बाद जो मैं सोती हूँ तो फिर 10 बजे एग्जैक्ट मेरी आंख खुलती है, और आज भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद फिर उठती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीने के बाद फिर घर का किचन का सारा काम फिनिश करती हूँ, और फिर दूसरे दिन सोचती हूँ कि क्या बनाना है, फिर क्या करना है, फिर बच्चे आते हैं, उसके बाद सारी बातें होती है, फिर सहरी होती है, नमाजें होती है, फिर जाके सोते हैं। और ये सब इतना इतना मतलब फास्ट फास्ट दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला कि रमजान आया भी और जाने को भी है। और मैं रोज सोचती हूँ 2 दिन 3 दिन से कि जोगेश्वरी जाकर आओ, जोगेश्वरी जाकर आओ, पर ऐसा हो गया कि कल भी बड़ी रात थी, परसों भी बड़ी रात लग गई, और आज एक दिन थोड़ा सा टाइम मिला है, कल भी, फिर कल तो बस रमजान समझ लो चले ही गया हमको छोड़कर। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे, कल की बात तो कल करेंगे, क्या पता कल का दिन हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो अल्लाह बेहतर जाने। अमीन तो गया है अपने दोस्तों को लेके पार्टी देने, क्योंकि उसके बर्थडे की पार्टी बाकी थी, तो जो उसके जिम के दोस्त है, सर है, जो भी है, तो उन सबको लेके गया है वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट। और मैंने तो बनाई हूँ दाल, तो मैं अभी फोन की तो बोला नहीं मैं आके खाने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप। तो अली को मैं बोली मुझे कंटाला रहा बेटा जोगेश्वरी घूमना है, तो मुझे बोलता चलो कुरला लेके चलता हूँ, बोली फिर कभी चल थोड़ा जोगेश्वरी जाकर आते, तो बोला चलो। तो अभी थोड़ा सा फिर मैंने चेंज करी और सादा सिंपल हल्का सा कपड़े पहने, ताकि वहां इतना क्राउड है, इतना क्राउड है कि पैर रखने को जगह नहीं, लेकिन ये सब मजा जो है रमजानों का ही होता है। तो थोड़ा सा बस निकल रही हूँ अली के साथ बाहर, और वहां पे पता नहीं आपको शॉपिंग करेंगे या फिर घूमेंगे या क्या खाएंगे, अल्लाह बेहतर जाने, बस थोड़ा सा निकल रही हूँ बाहर। रात के 12:15 बजे का टाइम है जोगेश्वरी। ये हमारे जोगेश्वरी का वैशाली मार्केट है। मुझे बस यहाँ पे शौक था आना, क्योंकि इतनी क्राउड है ना यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि इतना क्राउड में क्या चीजें स्पेशल है यहाँ। नहीं करके भी पहली शुरुआत हो गई, और सबसे ज्यादा इमली खट्टी वाली खाओ, 12 मसाले के। और मेरे फैन है इमली की दुकान, पहला शॉपिंग। मस्त शॉपिंग करके आए मैं और मेरा बेटा अली, और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने मस्त दाल बनाई थी, और उसके साथ में बनाया भी घी वाले स्टीम राइस। अली ने निकाला पिकल, और ये है स्टफ वेजिटेबल, शिमला मिर्च, आलू और छोटे छोटे से करेले। तो अभी हम बैठे हैं खाना खाने के लिए, और मेरा छोटा वाला तो अभी तक आया नहीं है, उसके दोस्त लोग की पार्टी खत्म नहीं हो रही। फोन किया तो बोलता मम्मा हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे, वो लोग टर्फ में मैच खेल रहे। तो इसको लगी है भूख अली को और मुझे, तो अभी हम बैठ रहे ये मस्त खाना खाने के लिए। और क्या खुशबू आ रही है दाल में, वाह 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 वाह, जरूर बनाना है। मैंने बताई हूँ ना ऐसी दाल बनाकर खाना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। तो मेरे को मालूम ही नहीं रहेगा पैसे का बैग यहाँ पड़ा है। खाए पिए मस्त, टाइम हो गया है 4:10, और तहज्जुद तो वैसे इंशाल्लाह मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम रेगुलर, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ। लेकिन रमजानों की बात ही और होती है ना, रमजानों में अल्लाह से मांगने की बात ही और होती है, और जो वो मिलता है वो हम ही जानते हैं क्या मिलता है, और क्या खुशी मिलती है, और क्या चीजें अल्लाह पाक अता करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने, और मेरे बेटे को भी मैंने बोली हूँ कि जाओ बेटा आप भी फ्रेश होके तहज्जुद पढ़ लो। तो मेरे को बोलता पहले आप पढ़ लो, उसके बाद मैं पढ़ लूंगा, फिर मैं इफ्तारी करके सो जाऊंगा। तो अरे यार इफ्तारी सेहरी दिमाग में चल रहा है। तो चलो इंशाल्लाह बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जैसे मेरी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करते रहते हैं ना,
तो जो ख्वाहिशें रखते हैं ना अल्लाह उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां करे दीन और दुनिया के साथ। छोटा वाला तो गया सुबह अपने काम से और मैं उठने के बाद शाम की थोड़ी तैयारी करी, नहा धो के फ्रेश हुई तो उतने में आया अली। तो मैंने अली को बोला बेटा मेरे को लोखंड वाला जाना है और एक दो जन बाकी है, जैसे कि इतने सालों से मैं बालों का हेयर एक्सटेंशन जो कराती हूँ इतने सालों से, तो एक रिश्ता होता है ना जब आप एक इतने सालों से एक ही जगह कोई चीज़ करते हो तो एक रिश्ता भी बन जाता है, तो उससे भी मिलना है और उसी के साथ साथ चप्पल और पर्स भी देखना था। तो मैं बोली चलो हाथों हाथ ये भी आज बटाई लूँ काम, तो इंशाल्लाह निकले हैं अभी और फटफट करके जितना हो सके जल्दी कोशिश करेंगे कि आ जाए वापस, और आने के बाद फिर इफ्तारी की तैयारी, फिर इंशाल्लाह फिर कुछ और तैयारी, कुछ ना कुछ तो अभी ईद तक लगा ही रहेगा। बाल फिटिंग भी किए और इतने अच्छे से ब्लू ड्रायर से माशाल्लाह बहुत अच्छे किए और अब कलर एकदम उठ के दिख रहा है। तो और उसको ईदी भी मिलना था, ईदी भी देना था, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इतने सालों से जब हम किसी के साथ जुड़े रहते हैं ना तो एक रिलेशन बनता है, तो हर रिलेशन जब बनता है ना तो बस उसको मेंटेन करना रहता है। तो माशाल्लाह यहाँ भी हो गया, बस अभी एक बाकी है एक चीज, तो हो सके तो इंशाल्लाह वो भी आज कल में हो ही जाएगा तो फिर पूरी जो चीजें हैं वो खत्म होगी। तो अभी जा रहे घर और लोखंडवाला से ही निकलेंगे, लेकिन टाइम मुझे लगता है बहुत कम है, अगर कुछ लगा टाइम के हिसाब से पार्किंग मिली तो जैसे चप्पल पर्स देखना है वो देख लूंगी, नहीं तो फिर देखते। और आज सोची हूँ कुछ बनाने के लिए, बस टाइम मिल जाए तो बना लूँ। और बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह। जैसे कि मैं पुरानी चीजों को न्यू बनाने की कोशिश करते रहती हूँ, जैसे अपने कपड़े हो और बहुत सारी मेरे घर के सामान हो उसको लेके मैं कुछ नया 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 चीज करते रहती हूँ। तो इसी तरीके से आज तक मैंने जो खाना बचा हुआ है ना ताजे में किसी को खिलाया है और अगर मैं रख दी हूँ तो उसको फिर कुछ नए तरीके से बनाती हूँ। अब मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है दाल खिचड़ी, तो दाल जब भी हम बाहर खाने जाते हैं तो मेरे बच्चे वेज में खास करके दाल खिचड़ी मंगाते, तो दाल खिचड़ी बहुत इजी तरीके से और कुछ बचे हुए सामान से आप बना सकते हो। और अगर उसी के साथ अगर आपको दाल खिचड़ी खाने का मन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दाल खिचड़ी किस तरीके से आप बना सकते हो। और उसी के साथ मकीन्स जो होते हैं स्माइलीज, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बट हम उसको घर में बहुत ईजी तरीके से अपने मसाले अपना स्वाद डाल के भी बना सकते हैं कुछ अलग आकार देकर। तो आज मैं ये दोनों चीजें बनाने वाली हूँ। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मस्त वाली दाल बनाई थी, दाल मेरी बच गई थी तो मेरे बेटे ने बोला था कि दाल रखना मैं खाऊंगी, तो मैंने बोला दाल खिचड़ी बना, बोला तड़के वाली, तो चलो मैं बना रही हूँ तड़के वाली दाल खिचड़ी। तो क्या क्या सामान पड़ेगा आइए मैं बताती हूँ। अब जैसे ये दाल मेरे पास जो है वो कल की बची हुई दाल है, तो मैंने आपको बताई थी कि मैंने किस तरीके की दाल बनाई थी। अगर आपको फ्रेश दाल खिचड़ी बनानी है ना तो जैसे कि आपके क्वांटिटी ज्यादा है तो एक वाटी अगर आप चावल लेते हो तो उसमें 2.5 कटोरी दाल लेना, और उसके अंदर है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक, हल्दी और थोड़ी जो ग्रीन चिल्ली होती है, ये स्पाइसेस होते हैं, प्याज होते हैं, उसको बिल्कुल बारीक करके आप एक अच्छा सा जो गाढ़ा वाला घोल होता है ना इस तरीके से हमें ये रेडी करना रहता है। और अगर आपको पसंद है जीरा राई तो भी आप तड़का दे सकते हो, लेकिन जब ऊपर से जो तड़का लगता है ना उसमें सारे सामान लगते हैं। अब ये जो है ये तड़का वाली चीजें हैं, टमेटो है, एक प्याज है, कड़ी पत्ता है, दरदरा कूट कर मैंने गार्लिक ली हूँ, उसी के साथ एक नींबू ली हूँ, हरा धनिया ली हूँ, और अच्छा कलर आने के लिए लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और तड़के में लगेगा इसमें बहुत सारी राई। तो ये हो जाएगी हमारी दाल खिचड़ी। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मकीन्स के, तो चलिए वो भी मैं बता देती हूँ फटाफट। और ये रमजान स्पेशल सब बना रही हूँ, लेकिन आप इसको बाद में भी बच्चों के लिए बना सकते हो, टिफिन के लिए हो या फिर हमारे दोस्तों के साथ कभी टी पार्टी हम इंजॉय करते हैं उसके लिए।
तो अगर आपके पास सारे ड्राई मसाले हैं तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहला हमें लेना रहता है आलू। आलू को बिल्कुल भी मैश करके लेना रहता है, उसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे बहुत सारे ड्राई मसाले होते हैं, जिंजर का पाउडर होता है, गार्लिक का पाउडर होता है, रेड चिली फ्लेक्स होता है, ब्लैक पेपर होता है, पिज्जा मसाला होता है, पेरी पेरी मसाला होता है, तो ये सारे कुछ मसाले जो होते हैं हमारे अपने पसंद के होते हैं। तो ये डालकर आप एक अच्छे से जो मकिंग स्टाइल होते हैं, और डिजाइन भी आप अपने ओन दे सकते हो, खुद के डिजाइन दे सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है दो आलू, और इसी के साथ में यहाँ पे मैंने ये क्रंची गार्लिक भी है मेरे पास। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ब्लैक पेपर से। जितना आपको बनाना रहेगा वो हिसाब से मसाले यूज होते हैं। तो मैंने बिल्कुल पाव चम्मच, छोटा सा चम्मच लिया है, और उसी के साथ में ये लिया है रेड चिली फ्लेक्स। तो ये एक चम्मच के आपके अंदाजे के हिसाब से, आप जैसे आप स्पाइसी बहुत ज्यादा किसी को पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो ये लिया है मैंने रेड चिली फ्लेक्स। तो ये थोड़ा मैं ओपन करके ले लेती हूँ फास्ट फास्ट। छोटा अगर स्पून है तो उसकी मदद से आप ले सकते हो, या तो फिर आप अपने अंदाजे से ले सकते हो। और इसके साथ साथ पेरी पेरी जो मसाला होता है ये बिल्कुल थोड़ा सा लेना रहता है। ये मैंने अभी ओपन नहीं करी हूँ, बाद में लेते हैं इसको। इसके साथ है ये पिज्जा मसाला, अंदाजे से छोटा चम्मच। ओपन भी करके रखी हूँ मैं। ये मैंने डाल दिया ना गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, और साथ साथ क्रंची गार्लिक जो है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये भुना हुआ रहता है, मस्त टेस्ट देता है। और ये जो पिज्जा वाला ओरिगानो है वो थोड़ा सा डाल लीजिए। और इसके बाद में जैसे इसमें ऑयल थोड़ा कम लगे इसीलिए मैंने लिया है चावल का आटा दो चम्मच, क्योंकि मैंने दो आलू ली हूं। और इसके साथ साथ एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हल्का सा, हल्का बिल्कुल हरा धनिया। अब इसको थोड़ा सा पहले हाथ से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद में फिर पहले स्पून से कर लीजिए फिर हाथ से करिए। ये ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स करना है, आराम से ये सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। ऐसे हाथ की मुट्ठी की मदद से इसको एक करना है सबको। और आपको ऐसे लगेगा ना कि ये बहुत ज्यादा ड्राई है, तो बस थोड़ा सा ऐसे पानी में हाथ को ऐसे डिप करना है और फिर से इसको करना है। जो साइज के आपको चाहिए वो साइज के आप पहले गोले बना लीजिए, थोड़ा इजी पड़ेगा काम। अगर आपके पास टाइम कम है तब ये एक कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लीजिए, इस तरह से इसको प्रेस कीजिए। एकदम दबा के प्रेस नहीं करना, अगर दबा के प्रेस करेंगे तो वो आर पार हो जाएगा। इसको खाली हमें शेप देना रहता है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैं रखी हूँ, बस इस तरीके से इसको शेप देना रहता है। फिर से मैं आपको बता दूं, बस थोड़ा अगर शेप यहां वहां हो जाए तो आप फिंगर की मदद से इसको शेप पे अच्छे से ला सकते हो। साइज आपके ऊपर डिपेंड है। तेल फुल गर्म होना चाहिए, और आपको पता नहीं पता चला कि नहीं चला, पर ढक्कन की मदद से हमने इसको शेप दिया है बटन मशरूम, है ना। एक एक करके छोड़ दीजिए, और चावल का आटा डालने की वजह से ये तेल भी कम पिएंगे और कुरकुरे जो होते वो ज्यादा होंगे। साथ साथ चलिए हम तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले गरम तेल करना है, और घी पसंद है तो घी भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने पहले घी डाली है उसके अंदर, और बहुत सारी राई डालनी है इसके अंदर। और राई जब तड़का देने लगे तो उसके बाद इसके अंदर दूसरा सामान डालना रहता है। तो सबसे पहले इसमें डालें प्याज और कड़ी पत्ते, थोड़ा सा ये गुलाबी हो जाए तो फिर इसमें डालना रहेगा गार्लिक,
साथ साथ अगर आप दो काम कर रहे हो तो इस पर भी नजर रखना है। इसको बिल्कुल अच्छे जो डार्क ब्राउन होते हैं ना, क्रंची टाइप, उस टाइप के इसको फ्राई करने रहते हैं। तो अब साथ में इसके डाल दीजिए गार्लिक, साथ साथ टमेटो। प्याज जो है आपको दिख रही है कि ये सिर्फ पिंक करना रहता है, इसके साथ में टमेटो जो है उसको सॉफ्ट करना रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो कलर बहुत अच्छा देगी, तो थोड़ा सा भी इसमें डाल लीजिए कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि तड़के में जब तक कलर ना दिखे तो मज़ा नहीं आए। ये हो गया हमारा पूरा तड़का रेडी। और मैं जैसे दाल खिचड़ी में हमने पहले ही बहुत सारे मसाले डाल के उसका जो जायका है वो अच्छे से बना लिए हैं, तो ये सिर्फ तड़का देना रहता है। बस ये तड़के के लिए हो गए रेडी। और मैंने बाउल में दाल खिचड़ी, जो मसाले वाली दाल खिचड़ी है, उसको निकाल के रखी हूँ। और मैंने आपको पहले ही दिखाई कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा हरा धनिया काट के रखी हूँ और लाइन पीस काट के रखी हूँ, तो इसको कर देते बंद। और जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाले हैं बाउल में दाल खिचड़ी, और इसको पहले छिड़क लेते हैं हरा धनिया चारों तरफ। चारों तरफ इसको फैला लीजिए। चलिए अब इसमें देते हैं तड़का। चारों तरफ आपको ये तड़का देना है। ये तो सिर्फ डेकोरेशन की बात है, जब हम खाएंगे तो इसको सब जो है मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये तड़के का टेस्ट है खिचड़ी में सब जगह पे खाने में मजा दे। तो ये मेरी हो गई है दाल खिचड़ी, बस इसको खाते वक्त मिक्स करना है और ऊपर से छिड़कना है नींबू और मज़े लेके खाना है। हमारे बटन मशरूम जो है वो हो गए रेडी। और चलिए अब चलते हैं दस्तरखान पे, और जो हमने कल रात को नई वाले गालीचे लिए है ना, आज वही वाला। डेली तो हम बगदाद वाला बिछाते थे, पर आज नया वाला। जब बनाओगे ना तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखना कि बाहर के मकीन से ज़्यादा टेस्टी है या मकीन ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है? ज़रूर लिखना प्लीज़। वाओ ये लाए क्या नया, मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। ले बेटा रखिए, चल वहां से, मैं वहां से सब पास करती हूँ सामान, फटफट रखते जा। वो क्रूस की टोकरी भी रख दे। ले करो। माशाल्लाह देखिए कल के बचा हुआ चीजों से भी माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी चीज बनती है। और अब मैं रेसिपी शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज मैं खाती हूँ, जो चीज बनाती हूँ, जो चीज यूज करती हूँ, तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से ही तो आपने मुझे पहचाना है, आपने मुझे प्यार किया है और आपने हमेशा अपनी जिंदगी में मुझे शामिल रखा है ना। और रमजान बस 2 दिन का मेहमान है, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी जितना भी मैंने रमज़ानों में करी हूँ अल्लाह पाक उसे कबूल करे, और उसके सदके तुफैल में अल्लाह मेरी बच्चों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करे, और तमाम तमाम मोमिन मुसलमान पर अल्लाह पाक रहम फरमाए, सबकी ईद बड़ी खुशी से हो। और इसी चीज़ों के साथ अब हम खोलेंगे रोज़ा, तो इंशाअल्लाह आप भी रोज़ा खोलिए और हमेशा सबको दुआओं में याद कीजिए। और माशाअल्लाह कल तो तरावे ख़त्म हो गई, तो सब शॉपिंग के लिए जा रहे होंगे, तो अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिए। अल्लाह हाफिज़।